हेलो प्रेम, चलिए आज बिहारी का फेमस गांव वाली दूध पिट्ठी खिलाते हैं। उसके लिए मैंने रोटी को बेल ली हूँ। उसके बाद इस तरह से करके साड़ी को हम इस तरह से बना बना कर इसमें डाल देंगे और डालकर इसको चलाते हुए इसको इतना भर पकाना है कि इसके सारे दूध उसके अंदर और एक गाढ़ा ग्रेवी की तरह बन जाए। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। कॉर्नर से पकड़ना है ऐसे फोल्ड करते हुए इसको, और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसको दाल में भी बना सकते हैं और मसाले के साथ भी बना सकते हैं, सारे ग्रीन सब्जियाँ के साथ भी बना सकते हैं। मैं इनको आज दूध वाला बना रही हूँ। दूध पिट्ठी कहते हैं हम लोग यहाँ। आपके यहाँ बनता है या नहीं और क्या कहा जाता है वो मैं नहीं जानती, कमेंट में ज़रूर बतलाइए। मेरे को रोटी खाते खाते ना मन भर गया, तो मैंने अपने रोटी का दो रोटी का एक रोटी बनाकर इस तरह से चाकू से कट कर और इसको इस तरह से, जिनको ना चीनी नहीं पसंद है वो भी चीनी का खा सकते हैं, क्योंकि इसका दूध ना सूख जाने पर मीठापन आ जाता है, तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए कितना फास्ट बन गया। इसमें थोड़ा सा काजू और कागजी बादाम, मखाना भी थोड़ा सा हल्का उलाकर इसको डाल दीजिए। वो भी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। जब आप मंगल करते हैं, अनाज खाते हैं, तो उसे भी बनाकर खा सकते हैं। कोई भी अनाज वाला फास्ट आप करिएगा तो इसको बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और पेट भी ये भरा भरा जैसा हो जाता है। चलाते ही रहना है, छोड़ने पर ना पकड़ लेते हैं। आप इसी दौरान उतार सकते हैं कि मेरा जो गेहूं का आटा है जो पक चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको और सुखाऊंगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इनको जिस तरह से पसंद है उस तरह से, मेरे को थोड़ा सा और गाढ़ा होना रखना पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और सुखा रही हूँ। ऐसे ये बनकर तैयार है।